तो हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना क्लिनिकल प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन होता है एक डॉक्टर के लाइफ का। क्योंकि डॉक्टर्स, अगर आप डॉक्टर हो, चाहे आप किसी भी फील्ड के डॉक्टर हो, आपको पेशेंट की लाइफ को सेव करने आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आप एक अच्छा खासा जनरल प्रैक्टिशनर बन सकते हो। अगर आप भी क्लिनिक खोलना चाहते हो, आप भी नर्सिंग होम खोलना चाहते हो, हॉस्पिटल खोलना चाहते हो, BAMS करने के बाद, या फिर MBBS करने के बाद, या फिर BDS, VHMS, BUMS, या फिर BNYS करने के बाद, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इतना मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको रास्ता मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से आपके प्रैक्टिस वाली लाइन में आगे बढ़ना है। क्योंकि इस फील्ड में मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने 5 साल क्लिनिकल प्रैक्टिस किया है, तो मैं आज आपको सब डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले एग्ज़ाम्पल के लिए BAMS ही ले लेते हैं, BAMS या फिर MBBS, BAMS के बारे में ही बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप नीट एग्ज़ाम की तैयारी करें और नीट एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा स्कोर लेके आएं। स्कोर अगर आप अच्छा खासा कर लेते हैं, या फिर आप नहीं कर पाते हैं, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, आपने जस्ट एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया है, तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके 5.5 साल में BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी इस कोर्स को 5.5 साल में पूरा कंप्लीट करने के बाद 1 साल या फिर 2 साल किसी भी डॉक्टर के पास, चाहे वो BAMS MD मेडिसिन हो, चाहे वो MBBS MD हो मेडिसिन हो, उनके पास रह के आप आराम से धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को, जैसे बेसिक लाइन बता दे रहा हूँ मैं क्या क्या चीज़ को आपको सीखना है। पहला, आपको एक्सरे देखने के लिए आना चाहिए, एक्सरे कैसे देखना है आपको, क्या किन किन चीज़ों को देखना है एक बेसिक मैप पे। दूसरा, ECG देखने के लिए आना चाहिए, कहीं ECG में कुछ चेंजेस तो नहीं है, टॉल टी तो नहीं है, ST एलिवेशन तो नहीं है, पी वेव अबसेंट तो नहीं है, एट्रियल फेब्रिलेशन तो नहीं है, वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया तो नहीं है, सुप्रा वेंट्रिकुलर ट्रैकीकार्डिया तो नहीं है, MI तो नहीं है, हार्ट अटैक तो नहीं है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है जिस समय आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में BAMS के बाद सीखने के लिए आप जा रहे हो। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, एक्सरे आना चाहिए, दूसरा ECG इंटरप्रिटेशन आना चाहिए। आप इमरजेंसी में पेशेंट को हैंडल तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए इन सभी चीज़ों का आपको आना ज़रूरी है। क्योंकि क्लिनिक में आप एकदम से एडमिट तो करोगे नहीं, एडमिट करने का तो उसमें मतलब होता ही नहीं है, आए पेशेंट को ट्रीटमेंट दिए और पेशेंट को आपको रिफ़र करना होता है। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, और ये हो गया ECG, एक्सरे और सोनोग्राफी, ये 3 रिपोर्ट तो आपको एटलीस्ट देखने आना ही चाहिए। और इसके अलावा जो जनरल ब्लड टेस्ट का जो रिपोर्ट होता है, जैसे CBC हुआ, RFT रीनल फंक्शन टेस्ट हुआ, या फिर KFT किडनी फंक्शन टेस्ट हुआ, दोनों एक ही टेस्ट होता है, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, इन सभी का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो आपको मुँह जबान याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, SGOT, SGPT, क्रिएटिनिन, यूरिया, इन सब का लेवल पता होना चाहिए, हीमोग्लोबिन का लेवल पता होना चाहिए, प्लेटलेट का, और आपका इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, क्योंकि कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट के इंबैलेंस होने की वजह से हाथ पैर में वीकनेस हो जाता है, प्लैक्सिड पैरालिसिस होने का भी चांस होता है। इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को आप जब इंटरप्रेटेट करोगे तभी आप अच्छा खासा क्लिनिक चला पाओगे। और आपका MP हुआ, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, TB हुआ, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से इंटरप्रिटेशन करने आना चाहिए टेस्ट के रिपोर्ट को, तभी आप पेशेंट को देख पाओगे। और अगर आप प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हो तो उसके लिए आपको वात पित्त कफ और प्रकृति विकृति अग्नि इन सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी मेडिसिन जो है, और रस गुड़ वीर्य और विपाक, कोई भी मेडिसिन अगर आप यूज कर रहे हो उसका रस गुण वीर्य और विपाक पता होना चाहिए। अगर आप प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर दोनों करना चाहते हो तो दोनों कर सकते हो आप, वैसे भी छत्तीसगढ़ में तो दोनों अलाउ है।
तो अब बात करते हैं कौन कौन सी मेडिसिन आप अपने क्लिनिक में रख सकते हो। तो आप अपने क्लिनिक में नॉर्मल जो सिफेक्सिम रख सकते हो, ये एंटीबायोटिक है, सिफेक्सिम, एजिथ्रोमाइसिन, मेट्रोजिल, ओफ्लॉक्सासिन, ये एकदम कॉमन एंटीबायोटिक है। सिफेक्सिन हुआ या सेफेक्सोन इंजेक्शन आता है 1 ग्राम का या फिर 500 mg का आता है। इस इंजेक्शन का यूज आप जनरल किसी भी इन्फेक्शन में कर सकते हो, क्लिनिक में ज़्यादातर यूज यही होता है, या तो मोनोसेफ होता है 1 ग्राम या फिर मोनोसेफ SB। पैंटॉप यूज कर सकते हो, एसीलॉक का यूज आप कर सकते हो, एसीलॉक एंटासिड है, पैंटॉप प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स है, यह गैस्ट्रिक का बहुत अच्छा इंजेक्शन है, इसका इस्तेमाल आप गैस्ट्रिक वाले पेशेंट्स में कर सकते हैं। अगर आप मान लो एसीलॉक दिए और एसीलॉक देने के बाद वर्कआउट नहीं हुआ तो आप पैंटॉप दे सकते हो। कोई भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, चाहे UTI हो, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो, चाहे स्किन में प्रॉब्लम हो, स्किन में किसी टाइप का इन्फेक्शन हो, बर्न हो, वुंड हो, तो आप मोनोसेफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनोसेफ इंजेक्शन ऑलराउंडर है, जनरल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है एमोक्सिसिलिन, जिसका पहले का जो पुराना जनरेशन था वो पिप्रासिलिन था, तो एमोक्सिसिलिन का भी यूज आप कर सकते हो। मैकलॉट्स, जो मैकलॉट्स का आता है मेगा CV, बहुत सस्ता पड़ता है, और इस टैबलेट का यूज आप सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में, जैसे ट्रमा वाले पेशेंट है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इस यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। चोट लगा हो, स्वेलिंग हो, यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट है। या फिर मान लो कि किसी पेशेंट को बहुत दिनों से खांसी हो, ठीक ना हो रहा हो, तो वहाँ पे आप AMO CV के साथ मोन्टेर LC का यूज कर सकते हो, और अस्थाकाइंड सिरप दे सकते हो या फिर ग्लिंटर सिरप दे सकते हो। सिरप भी 2 टाइप का होता है, एक ड्राई कफ के लिए होता है, एक वेट के लिए होता है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। जनरल प्रैक्टिस में आप कॉमन यही सब दवाई रख सकते हो, जैसे एजिथ्रोमाइसिन हुआ, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज कर सकते हो, टाइफाइड में यूज कर सकते हो, मेट्रोजिल आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में यूज कर सकते हो, और जेनिटल ट्रैक में अगर कुछ दिक्कत है, स्वेलिंग है, PID है, मान लो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, वहाँ पे यूज कर सकते हो। मेट्रोजिल भी, मेट्रोजिल का भी बहुत वाइड यूज़ है, अगर मान लो लूज मोशन हो रहा है वहाँ पे आप यूज कर सकते हो, क्योंकि क्लिनिक में लूज मोशन वाले पेशेंट्स आएंगे ही। फेवरिनिल आपको रखना चाहिए, एंटीपायरेटिक ड्रग है, जैसे पैरासीटामोल आप अपने क्लिनिक में रखोगे ही, और आप लोमोफेन रख सकते हो, जैसे रिडोटिल होता है वैसे लोमोफेन है, और इंट्रोकोनाल है, लूज मोशन वाले पेशेंट्स में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। गिनी चुनी मेडिसिन है जिन्हें आपको रखना है, जैसे मेफ्टाल स्पास रख सकते हो, एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन है, एंटी स्पास्मोडिक ग्रुप का है। पेट में अगर मरोड़ है तो वहाँ पे आप ड्रोटीन इंजेक्शन या फिर ड्रोटीन टैबलेट दे सकते हो। मेफ्टाल स्पास टैबलेट भी आता है मेफेनिक एसिड का, उसे भी आप अपने क्लिनिक में रख सकते हो। तो ये सब जो छोटी छोटी जो मेडिसिन हैं, इनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो मैं जब अपने क्लिनिक में था तो उस टाइम मैं इन्हीं सभी मेडिसिनों का यूज करता था। गिन के कुछ जो सिलेक्टेड मेडिसिन थी वो ज़्यादा थी, जैसे एजिथ्रोमाइसिन, मोनोसेफ इंजेक्शन, एमोक्सिसिलिन, मेट्रोजिल, पैंटॉप, एसीलॉक, ओंडम, ओंडेसेट्रोन, आप इसका यूज उल्टी वाले पेशेंट्स में कर सकते हो अगर वोमिटिंग वाले पेशेंट आ रहे हैं, और आपका एम्लोसेफ 5 mg BP की जो टैबलेट होती है एम्लोसेफ, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। एम्लोसेफ, एम्लोडिपिन, एम्लोवास 5 mg आता है, और आपका डिपिन यूज कर सकते हो, डिपिन का इस्तेमाल कर सकते हो, एम्लोडिपिन। ये तब काम आएगा जब आपके पास कोई ऐसा पेशेंट है जिसका BP 200/100 हो, 200/100 हो, वहाँ पे आप इस कैप्सूल का यूज कर सकते हो। उसको प्रिक करके सबलिंगुअल आपको देना होगा, जिससे ब्लड प्रेशर डाउन होगा। बट ध्यान रखना है कि इन सभी चीज़ों को आपको किसी डॉक्टर के साथ रह के पहले सीखना है, उसके बाद ही इन सब चीज़ों को आप अपने क्लिनिक में कर सकते हो, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा तब तक इन सभी चीज़ों को अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और शुगर के लिए भी टैबलेट आप रख सकते हो, जैसे शुगर के लिए मेटफॉर्मिन रख लीजिए आप 500 mg प्लेन, या फिर मेटफॉर्मिन G1 G2, ये सभी आप अपने क्लिनिक में रख सकते हो और आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ से शुरू करना है। ECG देखने आना चाहिए, बेसिक एक्सरे देखने आना चाहिए, लैब की फाइंडिंग्स आना चाहिए, लैब का जो नॉर्मल फाइंडिंग होता है CBC, RFT, LFT, मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हो तो प्रकृति विकृति इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये एक बेसिक फंडा है जो मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिस आप कैसे स्टार्ट करोगे, कहाँ से शुरू करोगे, किसके पास आपको जाके सीखना है, इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से सीखना है, और सीखने के बाद ही अपने क्लिनिक को खोलना है। सीखने के बाद आपके पास कुछ बैलेंस होना चाहिए कि आप क्लिनिक को कम से कम 6 महीने से लेकर साल भर तक रन कर सको। रन करने के लिए आपके पास बैलेंस होना चाहिए।
अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कैसे ही बैलेंस कर पाओगे, रेंट देना पड़ेगा, फिर बिजली का बिल देना होगा, वहाँ पे आप एक नर्सिंग स्टाफ को रखोगे बॉटल या फिर इंजेक्शन लगाने के लिए, उनको भी उसको भी मतलब पेमेंट थोड़ा तो करना ही होगा, कोई भी जैसे लेडी पेशेंट आती है तो एक नर्सिंग स्टाफ आपको रखना ही पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना, छोटे छोटे चीज़ है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। तो मुझे लगता है कि आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर इससे रिलेटेड अगर और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद ये था क्योंकि मुझसे बार बार बहुत सारे ऐसे डॉक्टर से जो पूछते हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे शुरू किया जाए, कहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने सभी चीज़ें बता दी हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ चीज़ छूट गया होगा तो कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिल से थैंक यू।